रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। तंत्र की शुरुआत कहां से करें? तंत्र की शुरुआत हम करते हैं मां भगवती की साधना से, मां भगवती के मंत्रों से। क्यों करते हैं? क्योंकि अंतोगत्वा महादेव की प्राप्ति ही जो है तंत्र का लक्ष्य है। जब आप महादेव को स्पर्श करते हैं तो अनंत ज्ञान आपके अंदर समाहित हो जाता है, आप अवधूत हो जाते हैं, और उसके बाद महामाया का जो है कोई आपको जो बंधन है वो रोक नहीं पाता है। लेकिन कहते हैं जब तक महामाया सिद्ध ना हो तब तक महादेव जो है वो सिद्ध नहीं होते हैं। काली तंत्र भगवती कालिका को सिद्ध करने का एक प्रमाणिक तरीका है, और इसमें मंत्रों का क्रम है, और उन मंत्रों के क्रम से जब आप भगवती की साधना करते हैं तो आप भगवती काली को प्राप्त कर सकते हैं। आम तौर पर लोग क्रिंग 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 रिंग रिंग हूं हूं मंत्र का प्रयोग करते हैं। अब ये मंत्र अगर आपको गुरु परंपरा से मिली हो, गुरु के मुख से मिली हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप स्वयं से साधना करना चाह रहे हैं कालिका का, मान के चलिए कि आपके गुरु ने आपको एक मंत्र दिया, फिर आप साधना मार्ग में खुद का जो एक रास्ता है वो खुद तय कर रहे हैं, तो फिर काली का जब आप मंत्र साधना चाहते हैं तो किसी भी किताब को जब आप देखेंगे तो आपको यही मंत्र मिलेगा। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये शुरुआती मंत्र नहीं हो सकता है। दक्षिण काली तंत्र में जो पहला मंत्र सिद्ध होता है वो मिलता जुलता है इस मंत्र से, ये जो 22 अक्षर का मंत्र है, लेकिन इससे भिन्न होता है उसका जो बीज अक्षर है, जो प्रोनंसिएशन है। सबसे पहले जानेंगे कि वो अक्षर क्या है, फिर जानेंगे कि उसका न्यास कैसे करते हैं। इस पूर्ण ज्ञान के बाद हम जानेंगे कि दूसरे और तीसरे चरण में हम लोग कौन कौन से मंत्रों का जाप करेंगे कि भगवती हमारे सामने प्रत्यक्ष होगी। तो जो 22 अक्षर का मंत्र शुरुआत में भगवती काली का हमें जाप करना चाहिए वो है ओम क्रिंग 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 रिंग रिंग ह्रुंग ह्रुंग हुंग हुंग नहीं ह्रुंग ह्रुंग दक्षिणे काली के, क्या दक्षिणे काली के क्रिंग 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 रिंग रिंग ह्रुंग ह्रुंग स्वाहा। फिर से सुनिए ओम क्रिंग 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 रिंग रिंग ह्रुंग ह्रुंग दक्षिणे काली के क्रिंग 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 रिंग रिंग ह्रुंग ह्रुंग स्वाहा। ओम क्रिंग 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 रिंग रिंग ह्रुंग ह्रुंग दक्षिणे काली के क्रिंग 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 रिंग रिंग ह्रुंग ह्रुंग स्वाहा। तो जो आपको हर जगह से मंत्र प्राप्त होता है उसमें दो अंतर रहता है, एक तो रिंग रिंग के जगह हुंग हुंग का उच्चारण होता है, और जो दक्षिणे काली के है इसके जगह पर दक्षिण या फिर दक्षिण काली के ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। इस मंत्र को करने के लिए जो उत्तम स्थान बताया गया है वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहां लोगों का प्रवेश ना हो, या फिर जहां आपको थोड़ी शांति मिलती हो, नदी का तीर हो, मंदिर हो, गुरु स्थान हो, या फिर ऐसा स्थान जहां पर निर्जन हो या फिर लोग आपको डिस्टर्ब ना कर सके। ये एक प्रमुख तत्व है इस साधना का। जल लेके हाथ में सबसे पहले विनियोग करेंगे अस श्री दक्षिण काली मंत्रस्य भैरव ऋषि उष्णक छंद दक्षिण कालिका देवता क्रिंग बीजम ह्रुंग शक्ति क्रिंग कीलम ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ऐसा बोल के आप जल को गिरा देंगे, ठीक है। उसके बाद ऋषि आदि न्यास करेंगे ओम भैरव ऋषिये नमः सिरसि, सर का स्पर्श दक्षिण जो दाहिना हाथ है उससे। फिर
ऊष्णक छंद से नमः मुखे, मुख का स्पर्श, दक्षिण कालिका देवताये नमः हृदय, हृदय का स्पर्श, क्रिंग बीजाय नमः गुह्या, टेल बोन का स्पर्श, ह्रुं शक्तये नमः दोनों पैरों का स्पर्श, ह्रुं शक्तये नमः पादय, क्रिं कीलकायै नमः नाभौ, नाभि का स्पर्श, विनियोगाय नमः सर्वांगे, सर से लेकर के पैर तक का एक बार स्पर्श कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कर्न्यास करेंगे, ओम क्रां अंगुष्टक भ्यांग नमः, तो तर्जनी से अंगूठा का जो है रूट दोनों हाथों का से टिप तक स्पर्श करेंगे। इसके बाद सारे जो आपकी जितनी भी उंगलियां हैं उसको अपने थंब से आप जो है स्पर्श करेंगे रूट से लेकर के टिप तक। ओम क्रिंग तर्जनीभ्याम नमः, ओम क्रुंग मध्याभ्याम नमः, ओम क्रैंग अनामिकाभ्याम नमः, ओम क्रोंग कनिष्ठकाभ्याम नमः, ओम क्रह करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। दोनों हाथों को परस्पर एक दूसरे से स्पर्श करवाएंगे, ठीक है। फिर हृदयादि न्यास करेंगे, ओम क्रांग हृदयाय नमः, हृदय का स्पर्श, ओम क्रिंग सिर से स्वाहा, सिर का स्पर्श, ओम क्रुंग शिखाय वसटः, शिखा का स्पर्श, ओम क्रैंग कवचाय हुम, क्रॉस करके दोनों कंधों को छुएंगे दोनों हाथों से, ओम क्रोंग नेत्राय वसोट या वसट, ठीक है। तो तीनों नेत्र को मतलब मिडिल फिंगर से थर्ड आई को और इंडेक्स और रिंग फिंगर से दोनों आंखों को, ओम क्रह अस्त्राय फट, बाएं हाथ को सामने लेंगे, उसके चारों तरफ तीन बार जो है हम लोग अपने राइट हैंड को घुमाएंगे, उसके बाद राइट हैंड का जो इंडेक्स और मिडिल फिंगर है उससे तीन बार ताली बजाएंगे लेफ्ट हैंड पे ऐसे, ठीक है। तो ये जो है हृदयादि न्यास हो गया। उसके बाद तंत्र न्यास करते हैं, ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ओम अंग आंग इंग ईंग उंग औंग रिन ररिन लिम लरिम नमो हृदि, ओम एंग एंग ओम ओंग अंग अह कम खम गम घं दक्ष भुजे, दक्षिण हाथ का बाया हाथ से स्पर्श करेंगे। ओम डंग चंग छंग जंग झंग नंग टंग ठंग डंग ढंग नमो वाम भुजे, वाम भाग का स्पर्श करेंगे। फिर ओम नम तम ठम दम घम नम पम फम बम भम नमो दक्ष पदे, दक्षिण पैर का मतलब राइट लेग को आप स्पर्श करेंगे। ओम मम यम रम लम वम शम सम सम हम छम नमो वाम पदे, वाम पद का स्पर्श करेंगे। इसमें क्या है कि अगर आपको ये बीज नहीं समझ में आता है जो तंत्र, एक तो तंत्र जो विनियोग है ये सबको करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर आपको करना है और आप नहीं समझ पाते हैं बीज, चाहे तो मुझे व्हाट्सएप पर आप पूछ लेंगे, या फिर आप जो है जो मैंने बोला उसको सुन करके अपने शरीर का स्पर्श कर लेंगे, ठीक है। फिर भगवती का हम ध्यान करते हैं, तो चाहे तो कराल वदराम घोराम मुक्त केशु चतुर्भुजाम इस मंत्र से आप भगवती का ध्यान कर सकते हैं, या फिर जो भी भगवती काली का आपको मंत्र आता है उससे ध्यान करेंगे। फिर जो मूल मंत्र दिया है उसका आप कम से कम 11 माला रोज और ज़्यादा से ज़्यादा 51 माला आप कर सकते हैं। इसको आप 41 दिन तक करेंगे तो पहला मंत्र जो है आपका सिद्ध हो जाएगा। देखिए जो भगवती का ध्यान और पूजा विधान है उसमें और भी बहुत सारे तांत्रिक परंपराओं को हम लोग क्रियान्वित करते हैं अगर पूर्ण रूप से हम लोगों को तंत्र करना होता है, जैसे आवरण पूजा होता है, ठीक है, शक्ति पूजा होता है, तो बहुत सारी चीज़ों का हम लोगों को जो भैरव है अष्ट भैरव का पूजा, अचंड भैरव का अलग से पूजा, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर इन सबों को आपको नहीं करना है तो शुरुआत आपको जितना आज बताया उतने से कर लेना चाहिए। जब आप इस मंत्र का सफलतापूर्वक 41 दिन की साधना कर लेते हैं तो उसके बाद जो दूसरा मंत्र आपका होगा वो
जो हर जगह उपलब्ध मंत्र है, ओम ह्रीं ह्रीं हूं, क्रिंग 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 दक्षिण काली के, क्रिंग 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 हूं ह्रीं ह्रीं, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। तीसरा मंत्र क्या होता है, क्रिंग हूं ह्रीं दक्षिण काली के, क्रिंग ह्रूं ह्रीं स्वाहा। इस तरीके से सिर्फ क्रिंग का जाप करना भी जो है बहुत लाभकारी होता है, और जब पांच मंत्रों की आप सिद्धि कर लेते हैं तो फिर काली का जो श्री विद्या का मंत्र है उससे आपको काली का आवाहन करना चाहिए। ये पांच मंत्रों को करने के बाद कालिका जो है आपके सामने प्रत्यक्ष होती है। इन सब का शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट है कि कोई अगर साबर मंत्र आपको दे दे, दीक्षा आप कहीं से साबर मंत्र की ले ले भगवती की, तो ये पांच मंत्रों को करने का और इतना न्यास आदि करने का आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगा, उससे भी भगवती बहुत जल्दी सिद्ध होती है। 7 महीने में कम से कम लगते हैं भगवती को सिद्ध करने में उस विधान से। तो ये आज कालिका तंत्र का पहला चरण मैंने आप लोगों को बताया। आने वाले समय में जो 10 महाविद्या की और देवियां हैं उनके जो मंत्र है वो मैं आपको सिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है, नंबर है 9431188585। आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 9431188585, या फिर कॉल मी फॉर ऐप पर रुद्रा @cm4 आप टाइप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। भगवती काली और रांची वाले भैरव बाबा आप लोगों को अनंत सिद्धि दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश अलाक।